नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैक विद तनवीर में। आज हम आप अपने डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पर भी फोल्डर या फाइल को रखते हैं कि हम अपने फोल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि कोई भी आसानी से मतलब कोई देख नहीं सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पर रखा रहे न तो हाइड रहे और कोई देख भी ना पाए उसके अंदर क्या मैटर रखा हुआ है, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं। जैसा हमने बताया कि हम अपने फोल्डर को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ताकि कोई भी हमारे फाइल या फोल्डर को खोल कर देख ना पाए कि उसके अंदर क्या मैटर रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फाइल के अंदर। तो देखते हैं हम कैसे सिक्योरिटी को लगाते हैं और हटाते हैं। जिस भी फोल्डर के ऊपर आपको सिक्योरिटी लगाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे जाइए। प्रॉपर्टीज जाने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी टैब का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जाने के बाद आप जिस भी यूजर से लॉगिन हो या आप दूसरे यूजर से लॉगिन हो तो आप उसको एडमिन पावर पे भी जाकर रोक सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट मेनू पे जाऊंगा, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डिनाई का ऑप्शन दे रहा है। डिनाई करने के बाद अप्लाई करके यस कर दे, ओके कर दे, फिर ओके कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस बार उसको चेक करने के लिए डबल क्लिक करके ओपन करिए। देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, फिर क्लोज का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप उसको डिलीट भी करना चाहेंगे तो नहीं डिलीट होगा। देखिए मैं डिलीट करता हूँ, यस नहीं डिलीट हो रहा। अब हम क्या करते हैं, फिर से उसको सही करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, फिर से फिर वही प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। सिक्योरिटी वाले टैब पे जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। जितना भी डिनाई यहाँ पे मैंने रोका हुआ है इसको हम रिमूव करके और ओके कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं होंगे कि यहाँ पे फाइल हमारी खुल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।